इसमें एक बात और भी है कि आपकी लिस्ट अभी आई नहीं, आ जाएगी, चलिए, और जो बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है और केशकाल से भी प्रत्याशी घोषणा हो चुकी है, कितना चुनौती मानते हैं आप? देखो, एक राजनीति व्यक्ति का काम काज करने का अलग तरीका होता है, जनप्रतिनिधि का काम अलग होता है, जनता से बैठ के, जमीन में बैठ के उनके साथ उसी हिसाब से बैठ के काम करेंगे तब जनता पसंद करती है। अब यहाँ देखिए, मैं तो दुर्भाग्य कहूँगा, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी की जो हाईकमान ने जो निर्णय लिया, यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति को अगर मान लो यहाँ टिकट मिलता तो वास्तविक में कुछ अंतर आता, टक्कर की स्थिति में आ जाता। पर मैं ये सोचता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास सारे अच्छे सेवक नेताम जी थे, रामेश्वर हुसैन डी जी, झारी राम सलाम, ये बड़े सीनियर लीडर हैं, इन लोग जनता से जुड़े हुए लीडर हैं, और ये एसी में बैठने वाला, यहाँ से कई किलोमीटर इनका घर है, जो नए व्यक्ति को यहाँ लाने से वास्तविक में जो यहाँ के जो स्थानीय व्यक्तियों के जो उम्मीदवार हैं उनके साथ भी, और जो उनके से साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता, उनके भी मन में एक निराशा तो हुई है। और हम लोग भी यही कहते हैं कि अगर स्थानीय व्यक्ति अगर होता तो निश्चित तौर पे टक्कर होता, ये कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इनकी कोई पकड़ है ना, जनता से इनका लगाव नहीं है। आप खुद जानते हैं कि IAS एक कलेक्टर एसी में बैठने वाला जो जमीन के लोगों के साथ तालमेल नहीं हो सकता।